इंडिया 24/7 लाइव टीवी आपके साथ मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजधानी लखनऊ के हैदरगंज क्षेत्र में प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण से पहले स्थानीय व्यापारियों की दुकानों का कुछ भाग तोड़े जाने के विरोध में व्यापारियों के द्वारा एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। व्यापारियों की मांग थी कि उनकी दुकानों को तोड़ जाने की जो माप प्रशासन द्वारा निर्धारित करी गई है उस माप में कुछ कटौती करी जाए ताकि उन्हें उनकी आजीविका को बंद होने से बचाया जा सके। देखिए एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी पवन त्रिपाठी के साथ। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हैदरगंज क्षेत्र में व्यापारियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब एक प्रस्तावित ओवरब्रिज का निर्माण होने के कारण उनकी दुकानों के तोड़े जाने से पहले दी गई सूचना की मियाद पूरी हो गई और नगर निगम द्वारा दुकानें तोड़े जाने के ठीक एक दिन पहले हैदरगंज और आसपास के क्षेत्रों के व्यापारी आज सुबह से ही हैदरगंज चौराहे पर एकत्र होने लगे और देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों व्यापारियों का हुजूम इकट्ठा हो गया और वहां पर व्यापारियों के द्वारा उनकी दुकानों का कुछ हिस्सा तोड़े जाने के विरोध में एक सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया। धरने पर बैठे हुए व्यापारियों का कहना था कि वे किसी भी प्रकार से ओवरब्रिज बनाए जाने या विकास कार्यों के कराए जाने का विरोध नहीं कर रहे। उनकी मांग केवल इतनी है कि जिस माप के हिसाब से उनकी दुकानों को तोड़ने का जो आदेश पारित किया गया है उस माप को कुछ कम कर लिया जाए ताकि व्यापारी वहां पर अपने व्यापार का संचालन सुचारू रूप से कर सके। धरना समाप्त कराने के लिए धरना स्थल पर मौके पर पहुंचे सहायक जिलाधिकारी महोदय ने भी मीडिया से बात करते समय मीडिया के प्रश्नों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और महज खाना पूर्ति के लिए पहुंचे सहायक जिलाधिकारी महोदय मीडिया के सवालों का गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। कैमरामैन अतुल अग्रवाल के साथ पवन त्रिपाठी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी, लखनऊ। देख पा रहे हैं हम आज यहाँ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हैदरगंज क्षेत्र में, हैदरगंज चौराहे के क्षेत्र में। ये वो व्यस्ततम चौराहा है जो कि एक तरफ इस चौराहे से बाईं तरफ आलमबाग से होते हुए कानपुर रोड के चौराहा मिलाता है तो दूसरी तरफ हजरतगंज होते हुए फैजाबाद रोड के चौराहा मिलाता है और तीसरी तरफ अगर इस चौराहे की हम जाएंगे तो यहां से मेडिकल कॉलेज चौक होते हुए यही चौराहा सीतापुर रोड और हरदोई में यही चौराहा मिलाता है। आज हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ एक धरना आयोजित किया गया है, धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इसका कारण केवल यह है यहाँ पर एक ओवरब्रिज जो कि प्रस्तावित है उसकी बनने की वजह से उसकी जद में जो भी दुकानें आ रही हैं उन दुकानों को नगर निगम के द्वारा तोड़ने का आधा या पूरा या जैसा भी तोड़ने का आदेश जारी हुआ। यहाँ व्यापारी इकट्ठा हुए हैं जो कि काफी आक्रोशित हैं, आक्रोश में लग रहे हैं। आज सांकेतिक धरने का आयोजन किया गया है, ये बात करते हैं व्यापारियों से, जानते हैं आखिर क्या इनकी समस्याएं। सर सर शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल। तो सर यहाँ पर किस चीज का धरना आयोजित किया गया है, क्या समस्याएं आपकी? ये पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, मेडिकल कॉलेज चौराहे से लेकर हनुमान जी मंदिर तक का पुल बन रहा है। हम भी चाहते हैं पुल बने, एक जनता के हित में कार्य हो रहा है, पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी रोजी रोटी का भी ध्यान रखे। डिवाइडर से दोनों तरफ 40 फुट सड़क मांग रहे, 40-40 फुट, अगर 5-7-10 फुट जगह कम करने से लोगों की रोजी रोटी बच सकती है और पुल भी बन सकता है तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और लोगों का नुकसान होने से बचाया जाना चाहिए। हम पुल निर्माण को रोकने के पक्ष में नहीं है, हम तो खुद चाहते हैं पुल निर्माण होगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, यातायात सुगम रूप से चल सकेगा, लेकिन उसको बचाया जा सकता है, लोगों की रोजी रोटी बचाई जा सकती है। उस पर सरकार निष्क्रिय दिख रही है, कोई बहुत सहानुभूति पर विचार नहीं कर रही है। सरकार इस पर विचार करे, हमारी रोजी रोटी भी चलती है, उनका पुल भी बन जाए और यात्रा सुगम चले, इसके लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ अभी आपने देखा लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे जिन्होंने बताया कि ये खुद चाह रहे हैं, ये व्यापारी खुद चाह रहे हैं कि यहाँ पुल बने, परंतु इस पुल के बनने के साथ जो दुकानों को तोड़ने का आदेश जारी हुआ है उस पर कम से कम कुछ कार्रवाई की जाए, ऐसा ना हो कि किसी की रोजी रोटी छीने। आइए बात करते हैं कुछ और व्यापारियों से, जानते हैं उनके विचार। सर नमस्कार सर, आपका नाम? सर सुरेंद्र मोदी। सर क्या समस्या है यहाँ पर, आप कोई बात यहाँ से पहुँचाना चाहेंगे शासन तक हमारी टीवी के माध्यम से? कुछ दिन पहले एकबार रोड के ऊपर इसी तरह हम लोग की करीब 25 दुकानें तोड़ी गई थी, जबकि हम लोग 1990 में 1992 में पैसा जमा किया था हम लोगों ने 25 वर्ष की, बगैर नोटिस के हम लोग की 25 दुकानें तोड़ दी गई एकबार रोड के ऊपर, और वही आज समस्या यहाँ पे आ गई है कि हम लोग 40-50 साल से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करने के बाद अब आपने अचानक आ गए, आप पुल बनाइए, पुल बना को मना नहीं है, लेकिन हम लोग रोजी रोटी कहाँ जाएगी, हम लोग जगह दीजिए,
तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर मुद्दा पुल को रोकना या ओवरब्रिज का कार्य रोकना नहीं है, यहाँ मुद्दा सिर्फ रोजी रोटी का है। जो दुकानें वर्षों से चल रही हैं और यहाँ बता रहे हैं 1500 परिवार यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं जिनकी रोजी रोटी का यहाँ पर प्रश्न है। आइए बात करते हैं और लोगों से। सर नमस्कार। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी है, मैं बुलाची अड्डा हैदरगंज व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज हम सब लोग इस बात के लिए धरने पर बैठे हुए हैं कि जो भी यहाँ पुल का निर्माण चल रहा है, पुल के निर्माण के बाद भी यहाँ पास 40-40 फुट जगह दोनों तरफ से ली जा रही है, जबकि हम लोगों का पक्का निर्माण है। बहुत से लोगों के पास यहाँ की रजिस्ट्रियाँ हैं और बहुत से लोग यहाँ किराएदार हैं जो कि यहाँ 40 से 45 साल पुराने काबिज हैं और हम लोग अपने कारोबार को करा रहे हैं, लेकिन सरकार कतई हमारी सुनने को कुछ तैयार नहीं है और उसने भी कुछ तय कर रखा है कि हम इन लोगों को जड़ से उखाड़ेंगे और हम लोगों ने भी ये तय कर रखा है कि अपनी जान दे देंगे लेकिन अपने कारोबार को बचा के रखेंगे। तो देखिए व्यापारियों में कितना आक्रोश है, ये व्यापारी यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे मगर अपनी दुकानें यहाँ से नहीं हटने देंगे। तो सर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसका क्या सोल्यूशन निकला कुछ है? धरना समाप्त हो गया, उच्च अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, धरना समाप्त हो चुका है। सर कोई आश्वासन दिया गया किसी तरह का व्यापारियों को जो इन लोगों ने धरना खत्म कर दिया है? यथासंभव कम से कम नुकसान होगा ये आश्वासन दे दिया गया, बाकी लोग अपना खुद हटा लेंगे। सर कुछ इसमें डिसाइड हुआ है कि मतलब कितने मीटर या कितने मीटर तक कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ? ये अपना खुद हटा लेंगे, जितनी जरूरत होगी खुद हटा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमें एसीएम साहब से कोई माकूल जवाब नहीं मिला और ये कोई भी जवाब हमको नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक फॉर्मल जवाब एक दे दिया है हमको यहाँ पर कि व्यापारी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार और भी खबरों के लिए। कैमरामैन अतुल अग्रवाल के साथ पवन त्रिपाठी, इंडिया 24x7 लाइव टीवी लखनऊ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।